दोस्तों मैं हूं राजेश, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्प्रोटेक में। दोस्तों जाने माने एनालिस्ट अनिल सिंघवी और उनके टीम ने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है जिससे कि आप अपने पैसे हर महीने डबल कर सकते हैं। जी हां, आप अपने पैसे हर महीने डबल कर सकते हैं अगर उनके बताए हुए इस छोटे से टेक्निक को आप यूज करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उनका तरीका क्या है और फिर बताता हूं कि उसमें हमें उनके रिकमेंडेशन को सेलेक्ट कैसे करना है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। एक चीज़ बताइए, मैं बहुत दिनों से सोचता था, मैं भूल जाता हूँ हर बार। मैं सोचता हूँ कि इंट्राडे में निफ्टी में कितने पॉइंट का ट्रेडर्स को मिले तो उतना सफिशिएंट होता है, मतलब 35 पॉइंट है। क्या बात कर रहे जी, जो मार्जिन आप लगा रहे हैं निफ्टी पर वो हर महीने डबल हो जाएगा अगर 30 पॉइंट आपको हर दिन मिल जाए। एक मिनट को, मेरे को आपकी बात भरोसा नहीं पूरा सर। इसी तरह से और अगर आप 30 पॉइंट ले रहे हैं तो सिर्फ 5 पॉइंट आपको खर्चे के काटने हैं, नेट में आपको 25 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा। यानी कि हर निफ्टी में 5 पॉइंट का खर्चा, पैसा डबल हर महीने, हर महीने डबल। अच्छा, ये कंपाउंडिंग ये ठीक है क्या, ये फॉर्मूला जो बता रही है? और निफ्टी में कितने पॉइंट की ट्रेडिंग सुनची है? एकदम सही कैलकुलेशन किया है, 30 पॉइंट मिलते हैं तो 25 पॉइंट अगर रखते हैं तो, पर हर रोज मिलने चाहिए, ये एक चैलेंज है, बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज। क्या गजब कर रहे हो, इसमें क्या चैलेंज है किरण जी? 25 पॉइंट में क्या चैलेंज है? 25-30 पॉइंट तो हमेशा मिल सकता है, ज्यादा चाहिए तो चैलेंज है। चैलेंज तो 100-150 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का, 25 तो मिल जाते हैं आराम से। बिल्कुल, तो अगर 25 पॉइंट मिलते हैं तो आपका मुनाफा बिल्कुल, आपका कैपिटल डबल होता नजर आएगा हर महीने। ये आइडिया सही दिया आपने। अच्छा एक और चीज बताऊं, मुझे स्टॉक से ज्यादा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कन्विक्शन रहता है। अनिल जी, आपने जो बात पकड़ी है ना, ये अब कई पीएमएस जो चलाते हैं या ग्रुप्स हैं, उन्होंने सिर्फ इंडेक्स में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी झेलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इंडेक्स में हर दिन जो 25-30 पॉइंट का उनका गेन, क्या उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है तो गेन और लॉस भी बड़ा होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ये बात बिल्कुल ठीक है। अब काफी सारे पीएमएस और काफी सारे इन्वेस्टर्स और सिर्फ निफ्टी पे ही काम करते हैं, वो भी 25 पॉइंट या 30 पॉइंट के लिए रोज के। ये बिल्कुल सटीक एनालिसिस है और बिल्कुल टाइम पे एनालिसिस है। वाह, जैसा कि आपने देखा अनिल सिंघवी और उनके टीम ने बताया कि अगर आप डेली निफ्टी में सिर्फ 30 पॉइंट का ट्रेड करते हैं, अगर 30 पॉइंट का आपको मुनाफा होता है तो मंथ में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि निफ्टी से रिलेटेड वो रिकमेंडेशन डेली लगभग वो देते रहते हैं, लेकिन उनका जो रिकमेंडेशन होता है या उनके जो टीम मेम्बर का रिकमेंडेशन होता है, क्या सभी रिकमेंडेशन को हमें आँख बंद करके यूज करना चाहिए? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ स्टॉक्स और निफ्टी पे भी और स्टॉक्स पे भी वो डेली बहुत सारे रिकमेंडेशन टीवी चैनल पे, बहुत सारे वेबसाइट पे आते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का एक रिकमेंडेशन है, जब ये निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस था 11,458 और तब उन्होंने टारगेट दिया था 11,500 का, स्टॉप लॉस दिया था 11,370 का। उसी तरह से उन्होंने दूसरे निफ्टी बैंक का उन्होंने टारगेट स्टॉप लॉस बताया है, NBCC का स्टॉक्स का भी बताया है। NBCC का जब करंट मार्केट प्राइस 68 रुपीज़ था तब उन्होंने टारगेट दिया था 75 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 65 रुपीज़ का। अब यहाँ पे EIL का उन्होंने दिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का दिया है, जब उसका करंट मार्केट प्राइस 138 था तो उन्होंने टारगेट दिया था 142 का, स्टॉप लॉस दिया था 134 का। ये जाने माने एनालिस्ट हैं जो कि टाइम टू टाइम बहुत सारे चैनल पर आते रहते हैं। ऐसे एक एनालिस्ट ने RBL बैंक का टारगेट दिया था 588 का, स्टॉप लॉस 608 का, जब उसका करंट मार्केट प्राइस था 597। जाने माने ब्रोकरेज फर्म भी टाइम टू टाइम ट्रेडिंग कॉल्स देते रहते हैं। ऐसे उन्होंने एक ट्रेड दिया था डावर पे, जब उसका डावर का करंट मार्केट प्राइस था 468, उन्होंने टारगेट दिया था 478 का, स्टॉप लॉस 463 का। अब आपको बताना है कि क्या आप आँख बंद करके इस सारे रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे? मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सारे रिकमेंडेशन को आँख बंद करके फॉलो करेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी सारे के सारे रिकमेंडेशन सक्सेस नहीं होते हैं। इस 6 में से हो सकता है कि 3 या 4 आपको सक्सेस हो और बाकी फेल हो जाए, या हो सकता है 2 ही सक्सेस हो बाकी 4 स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो आपको इस स्टॉक रिकमेंडेशन को आँख बंद करके यूज नहीं करना है, इसमें आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कौन सा रिकमेंडेशन सेलेक्ट करना है। इसके कुछ
टेक्निक है इसे सेलेक्ट करने का, जो जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी लोग अक्सर ही मिस्टेक करते हैं ट्रेड रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करने में। उन्हें लगता है कि जैसे ही ट्रेड रिकमेंडेशन आए इमिडिएटली उस पर यूज करना चाहिए, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इस 6 ट्रेड रिकमेंडेशन आपको दिया जाए, आप मान लीजिए कि जो 6 ट्रेड रिकमेंडेशन दिया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट देख करके, बहुत अच्छे तरह से टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद बताया गया है, तो आप मुझे बताइए कि आपका सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? आप इन 6 ट्रेड रिकमेंडेशन से कौन कौन से ट्रेड रिकमेंडेशन आपको लगता है कि सही है उसे सेलेक्ट करना चाहिए, और कौन कौन सा ट्रेड रिकमेंडेशन रिजेक्ट करना चाहिए और क्यों रिजेक्ट करना चाहिए? चलिए आपने जो कमेंट में लिख के अपना सिलेक्शन का तरीका बताइए, मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम जनरली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं ट्रेड रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करने में, और क्या टेक्निक अपनाना चाहिए जिससे कि हम सही सिलेक्शन कर सकें। ट्रेड रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करने का सही टेक्निक क्या होना चाहिए, आखिर उसके पीछे हमें क्या उसमें देखना चाहिए, और किस तरह से हमें ट्रेड रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए और मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जनरली पीपल मिस्टेक क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।